हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या महेश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईकन टेन की सिक्स स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर जिसका नेम है स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 स्टूडेंट्स आज के हमारे इस चैप्टर में टॉपिक रहेंगे परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन को करना ऑटो सम फंक्शन का यूज करना सीखेंगे स्टूडेंट्स एंड एडिंग रिमूविंग एंड सेविंग अ वर्कशीट एक वर्कशीट को किस तरह से एड करते हैं रिमूव करते हैं और सेव करते हैं ये भी जानेंगे और साथ के साथ स्टूडेंट्स इस हम इसमें बुकवर्क भी कंप्लीट करेंगे सो विदाउट टाइम लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स फर्स्टली जान लेते हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशन कैलकुलेशन को करना इन एक्सल फॉर्मुला कैलकुलेट्स वैल्यू डिस्प्लेड इन द सेल टू रिटर्न अ रिजल्ट एक्सेल में एक फॉर्मुला एक रिजल्ट देने के लिए सेल में डिस्प्ले की गई वैल्यू को कैलकुलेट करता है मीन्स यदि एक फार्मूला है हमने कोई फार्मूला एक्सेल में लगाया है तो वो उसका रिजल्ट देने के लिए सेल में जो भी हमने वैल्यू डाली है उसको जो भी डिस्प्ले हो रही है वैल्यू उसको कैलकुलेट करता है इट बिगिंस विद एन इक्वल साइन जो एक फॉर्मूला होता है वो एक इक्वल साइन से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स ये इक्वल साइन है हमारा इससे स्टार्ट होगा एंड कंजिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल एड्रेस नंबर एंड आर्थमैटिक ऑपरेटर और स्टूडेंट्स सेल एड्रेस नंबर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है यू कैन इधर टाइप और यूज द पॉइंटिंग मेथड आप या तो टाइप कर सकते हैं या फिर पॉइंटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं टू एंटर द फॉर्मूला इन द सेल सेल में फॉर्मूला को एंटर करने के लिए टू यूज द पॉइंटिंग मेथड पॉइंटिंग मेथड का यूज करने के लिए क्लिक ऑन रिक्वायर्ड सेल रिक्वायर्ड सेल पर क्लिक करते हैं टू इंसर्ट इट्स एड्रेस इन द फॉर्मूला फॉर्मूला में उसका एड्रेस डालने के लिए हम रिक्वायर्ड सेल पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स लेट अस डू सम कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला इन द वर्कशीट चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्कशीट में फार्मूला का यूज़ करके एश्रोनिन फिगर सिक्स पॉइंट फोर जैसे कि सिक्स पॉइंट फोर में दिखाया गया है स्टूडेंट्स इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं सो so, मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया है एंड नाउ हम स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे यहाँ हमने ऑलरेडी शीट भी रेडी की हुई है सो so, यहां पर फर्स्ट स्टेप देखते हैं टू कैलकुलेट द वीक्स टोटल फॉर ईच आइटम प्रत्येक आइटम के वीक्स का टोटल कैलकुलेट करने के लिए टाइप वीकली टोटल इन सेल जे टू जे टू में वीकली टोटल के नेम से एक हैडिंग बनाएंगे स्टूडेंट सो स्टूडेंट दिस इज द जे वन एंड जे टू हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स वीकली टोटल एंड स्टूडेंट्स इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहां इसमें कॉलम में जाकर हम डबल क्लिक करेंगे इस लाइन पर तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स ये एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इन सेल जे थ्री टाइप इक्वल टू साइन देन क्लिक ऑन सेल सी थ्री देन टाइप प्लस साइन एंड क्लिक ऑन सेल डी थ्री एंड सो ऑन टिल आई थ्री और ये हम करते रहेंगे तब तक जब तक आई थ्री तक नहीं आ जाते यू कैन सी द फॉर्मूला इन सेल जे थ्री आप जे थ्री में फॉर्मूला देख सकते हैं प्रेस एंटर टू तो गेट द सम और देन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स सम पर सम करने के लिए क्लिक कर देना है एंटर सो स्टूडेंट्स हम यहां पर इक्वल टू का मार्क लगाते हैं इक्वल टू एंड स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें कहा क्लिक करना है सेल जे थ्री पर क्लिक करके हमने इक्वल टू का साइन लगाया एंड देन सेल सी थ्री सी एंड थ्री स्टूडेंट्स दिस इज दी थ्री क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक बार की यहाँ पर सेल्सूड प्लस जी थ्री प्लस एच थ्री प्लस एंड आई थ्री अब स्टूडेंट्स हमें प्लस का मार्क नहीं लगाना है और हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और जैसे ही हम एंटर करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर टोटल आ चुका है आगे बताया गया क्लिक ऑन सेल जे थ्री एंड होल्ड फिल हैंडल एंड ड्रैग थ्रू कॉलम टिल सेल जे, जे थ्री पर हम क्लिक करेंगे एंड होल्ड करेंगे फिल हैंडल को जो कि लोअर राइट कॉर्नर पर होता है फिल हैंडल उस पर क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे थ्रू कॉलम जे टिल सेल जे एट जे एट तक हमें उसे ड्रैक करना होगा स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम इसको फिल हैंडल को क्लिक कर देते हैं एंड ड्रैक करते हुए नीचे तक लाते हैं जे एट तक एंड यहां देखिएगा स्टूडेंट्स सभी के आंसर आ चुके हैं ऑब्जर्व दैट द सेल इन कॉलम जे आर नाउ फिल्ड विद द सम ऑफ वीकली एक्सपेंसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम प्रत्येक इंडिविजुअल आइटम के वीकली एक्सपेंसेस का सम स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आ चुका है देखिए स्टूडेंट्स स्नैक्स का टोटल आ चुका है मिल्क का टोटल आ चुका है पूरे मंथ का ट्रांसपोर्ट ग्रोजरी अदर सभी का आ चुका है ओनली वन टाइम हमने फॉर्मूला लगाया एंड देन उसे ड्रैग कर दिया हमने स्टूडेंट्स सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स इस तरह से हम आ, किसी भी टोटल को कर सकते हैं बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से की जा सकती है नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स ऑटोसम फंक्शन ऑफर्स अ शॉर्टकट टू एडअप कॉलम्स एंड रो ऑफ डाटा ऑटोसम फंक्शन एक शॉर्टकट ऑफर करता है कॉलम और रो के डेटा को ऐड करने के लिए टाइप टोटल एक्सपेंसेस इन सेल बी नाइन तो जान लेते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से करना है फर्स्टली हमें टाइप करना है टोटल एक्सपेंसेस इन सेल बी नाइन सेल बी नाइन में हमें टोटल एक्सपेंसेस टाइप करना है तो स्टूडेंट्स हम यहां पर बी एंड नाइन यहां पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस एंटर एंड स्टूडेंट्स आगे बताया गया क्लिक ऑन सेल सी नाइन एंड प्रेस द ऑटो सम बटन प्रेस करेंगे ऑटो सम बटन सी नाइन सेल पर क्लिक करके ये ऑटो सम बटन है स्टूडेंट्स ऑन द होम टैब होम टैब पर जाकर एक्सेल विल सजेस्ट द रेंज सी थ्री टू सी एट एक्सल आपको सजेस्ट करेगा कि इसकी रेंज लें सी थ्री से लेकर सी एट तक की प्रेस एंटर टू गेट द सम और एंटर करेंगे सम प्राप्त करने के लिए सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम सी नाइन में चले जाते हैं दिस इज दी नाइन सेल एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऑटोसम बटन पर जाएंगे जो कि होम टैब में यहाँ पर ऑटोसम बटन देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स दिस इज द ऑटोसम बटन इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सी थ्री से सी एट तक सेलेक्ट हो चुका है रेंज आ चुकी है एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर सेल डी नाइन टू जे नाइन सेल डी नाइन से लेकर जे नाइन तक सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं या फिर दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स कि क्लिक ऑन सेल सी नाइन सी नाइन सेल पर क्लिक करते हैं प्रेस एंड होल्ड द फिल हैंडल फिल हैंडल को प्रेस करके होल्ड रखते हैं एंड ड्रैग ड्रैग थ्रू टिल सेल और करते हैं 9 से, 9 से तक, और इस तरह से स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे आर नाउ फिल्ड विद डेली एक्सपेंसेस वे सभी डेली uh, एक्सपेंसेस के टोटल के साथ फिल हो चुके हैं सो so, स्टूडेंट्स इसे करके देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें या तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा एंड स्टूडेंट्स नाउ हमें सम ऑटो सम पर क्लिक करना होगा एंटर कर देना है या सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लोअर राइट कॉर्नर पर ड्रैग करना होगा और टिल जे नाइन तक हमें क्लिक करना होगा एंड स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली सभी के सम आ चुके हैं केवल एक सम निकालने के बाद हम सभी रोज में या कॉलम वाइज टोटल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स एडिंग एंड रिमूविंग अ वर्कशीट एक वर्कशीट को एड और रिमूव करना जान लेते हैं स्टूडेंट किस तरह से हम एक वर्कशीट को एड करते हैं और रिमूव करते हैं फर्स्टली एडिंग अ न्यू वर्कशीट एक न्यू वर्कशीट को एड करना टू एड अ न्यू वर्कशीट एक न्यू वर्कशीट को एड करने के लिए सेलेक्ट द शीट शीट को सेलेक्ट करते हैं बिफोर विच यू वॉन्ट टू प्लेस अ न्यू वर्कशीट जिससे पहले आप एक न्यू वर्कशीट को प्लेस करना चाहते हैं उस शीट को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड सेकेंड स्टेप में राइट क्लिक ऑन द शीट टैप शीट टेप पर राइट right क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन जैसे ही आप राइट right क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं उनमें इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखने लगता है अपेयर हो जाता है सेलेक्ट द वर्कशीट ऑप्शन एंड क्लिक ओके वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ओके okay कर देते हैं यू विल नोटिस करेंगे इंसर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बताया गया कि एक और ऑप्शन है या तो आप ये कर सकते हैं या फिर क्लिक ऑन इंसर्ट वर्कशीट आइकन इंसर्ट वर्कशीट आइकन पर क्लिक करते हैं प्रेजेंट नेक्स्ट टू द एंड ऑफ द शीट थ्री टैप शीट थ्री टैप के अंत में एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रेजेंट नेक्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक कर सकते हैं अ न्यू वर्कशीट स्टूडेंट अपेयर हो जाएगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हो जाएगी सो so, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से हम शीट को एड करेंगे स्टूडेंट्स सपोज मुझे शीट थ्री से पहले एक शीट uh, चाहिए सो so, मुझे शीट थ्री पर क्लिक करना होगा इसे सेलेक्ट करना होगा देन राइट क्लिक एंड देन स्टूडेंट्स हमें करना होगा इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक And जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स ये पूछेगा कि क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं हम बटन पर क्लिक करेंगे and आप देखेंगे कि शीट से पहले शीट फोर आ चुकी है इस तरह से स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं यह स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड है यहाँ पर आप प्लस मार्क देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ये न्यू शीट का होता है ये यहाँ पर नेक्स्ट शीट एंटर करा देगा शीट फाइव यदि हमें शीट टू के बाद चाहिए तो हमें उस पर क्लिक करना होगा प्लस करेंगे तो शीट सिक्स शीट टू के बाद आ जाएगी स्टूडेंट्स इसे हम मूव करके इधर भी ला सकते हैं जहां भी हम लाना चाहते हैं वहां पर इसे मूव करके हमें क्लिक करके माउस uh, के लेफ्ट uh, बटन को क्लिक करके होल्ड कर रखना है और इसे हमें ड्रैग करके जहां पर भी हमें रिलीज करना है माउस वहां रिलीज कर देंगे तो वो शीट उठकर वहां जाएगी आगे जानते हैं स्टूडेंट्स आगे बताया गया स्टूडेंट्स रिमूविंग अ वर्कशीट एक वर्कशीट को रिमूव करने का क्या मेथड है प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट वर्कशीट पर माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं देट यू वॉन्ट टू डिलीट जिसको भी आपको डिलीट करना है उस वर्कशीट के टैप पर माउस पॉइंटर को प्लेस कर देते हैं एंड देन राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट वर्कशीट टैप पर राइट right क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं या दूसरा मेथड स्टूडेंट सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब होम टैब में सेल ग्रुप में डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं एंड फर्दर और आगे सेलेक्ट द डिलीट शीट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यूलिट सब मैन्यूलिस्ट से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डिलीट हो जाती है स्टूडेंट्स इसे भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं जैसे स्टूडेंट्स मुझे सिक्स शीट सिक्स को डिलीट करना है तो हमें इसको राइट right क्लिक करना होगा एंड स्टूडेंट्स यहाँ से डिलीट ऑप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर सिक्स शीट सिक्स डिलीट हो चुकी है या सेकेंड मेथड है स्टूडेंट शीट फाइव को हमें डिलीट करना है तो हम होम ऑप्शन पे जाएंगे एंड डिलीट ये सेल ग्रुप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है इसका सब मेन्यू ओपन करेंगे एंड डिलीट शीट का ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डाउन एरो से डिलीट शीट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे शीट फाइव डिलीट हो चुकी है इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिलीट कर सकते हैं आगे स्टूडेंट्स का आगे सेविंग अ वर्कबुक एक वर्कबुक को सेव करना टू सेव अ वर्क बुक एक वर्क बुक को सेव करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है फर्स्टली क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड द एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा ड्राइव एंड फोल्डर वेयर यूट सेव दर्क बुक अब वो ड्राइव हमें सेलेक्ट करनी होती है वो फोल्डर सेलेक्ट करना होता है जहां पर भी आप अपनी वर्क बुक को सेव करना चाहते हैं एंड देन स्टूडेंट्स टाइप द फाइल नेम इन दाइल नेम टेक्सट बॉक्स अब फाइल नेम टेक्स बॉक्स में फाइल का नेम टाइप करते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन देन सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं अब स्टूडेंट्स द फाइल विल बी सेव्ड विद एन एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस एक्स अब ये फाइल स्टूडेंट डॉट एक्स एल एस एक्स के एक्सटेंशन से सेव हो जाती है देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सेव एस डायलॉग बॉक्स है एंड स्टूडेंट्स यहां में लोकेशन देनी होती है और यहां पर हमारी एक्सेल वर्कबुक में ये सेव हो जाता है डॉट एक्स एल एस एक्स एक्सटेंशन के साथ एंड सेव बटन यहां होता है इस पर सेव कर देते हैं स्टूडेंट्स जो भी हमें नाम टाइप करना है वहां पर टेक्स्ट में टाइप कर देते हैं एंड देन सेव पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ टिप दी गई है कि यू कैन सेव योर फाइल यूजिंग द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल एस आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं एक की की कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके वो है स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल और एस का यूज करके आप फाइल को डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं आपको फाइल टैब में जाने की जरूरत नहीं होगी सेकेंड टिप है स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार आप सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन का यूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार में भी सेव बटन होता है एंड स्टूडेंट्स लास्ट है F12 की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स स्टूडेंट्स F12 की को यदि हम कीबोर्ड से F12 की को यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 थाउजेंड टेन में ये सेवेज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करती है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स कितने सारे सेविंग के मेथड हैं आइए स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक्सेल में हम जाते हैं स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट रेडी की हुई है स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हमें इस शीट को सेव करना है तो हमें जाना होगा फाइल में एंड सेव एंड देन स्टूडेंट्स हमें लोकेशन देनी होगी हमें कहाँ पर सेव करना है स्टूडेंट्स मुझे इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप में जाऊंगी एंड डेस्कटॉप में जाने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नेम देना होता है जैसे कि हमने यहाँ पर नेम दे दिया स्टूडेंट्स गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये नेम दे दिया है और जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम अभी इसे सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाकी मेथड्स भी आपको बताने हैं सेकेंड मेथड आ जाता है स्टूडेंट्स हमें कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना होता है कंट्रोल एस का कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स मैं कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ कंट्रोल एंड एस सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे वही लोकेशन पर आ जाएगा और हमें डेस्कटॉप को सेलेक्ट करना होगा एंड देन हमें यहाँ पर इसका नेम टाइप करना होगा जो भी फाइल नेम हम देना चाहते हैं थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स की हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ये सेव का बटन होता है इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड है F12 प्रेस करके कीबोर्ड से तो मैं स्टूडेंट्स F12 प्रेस करती हूँ एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ सीधे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इसके लिए हमें अंदर फाइल में जाकर और लोकेशन को सेलेक्ट नहीं करना होगा डायरेक्टली ये हमें लोकेशन यहीं पर दिखाएगा और हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर कहाँ हमें इसे सेव करना है फाइल को ये डायरेक्टली दिखाता है सो स्टूडेंट्स दीज आर द मैथर्स तो मैं इसे फाइल से जाकर सेव करती हूँ स्टूडेंट्स फाइल में जाएंगे एंड यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पर मुझे सेव करना है और मैं इसका नेम दे दे देती हूँ गेट्स नॉलेज स्प्रेड नॉलेज एंड यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स नाव हमें सेव करना है और ये हमारी लोकेशन अभी नहीं शो हो रही है यहाँ पर क्योंकि तो ये लोकेशन डेस्क सी में जा रही है लोकेशन तो हमें लोकेशन सेव करनी है हमें इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हम डेस्क टॉप को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव सो स्टूडेंट्स यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर जा चुकी है नहीं तो हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और चेक करते हैं कि इस फाइल uh, कहाँ पर है उसे ओपन करते हैं So, हम यहां से कट कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स यहां डेस्कटॉप पर हम देखेंगे कि हमारी एक्सेल की फाइल देखिए स्टूडेंट्स ये रही एक्सेल की फाइल गेट्स नॉलेज स्प्रेड नॉलेज हम इस पर डबल क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स एंड आप देखेंगे कि डायरेक्टली ये ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स यदि हम इसमें कुछ भी चेंजिंग uh, करते हैं सपोज हम यहां पर इसमें कुछ फिगर चेंज कर देते हैं यहां पर हम लिख देते हैं फाइव सिक्सटी एंड टोटल चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स यदि हम इसको चेंज करके सेव करना चाहते हैं अब स्टूडेंट्स जब भी हम कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमें सेव करना जरूरी होता है तो स्टूडेंट्स अब हम इसे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं तो सेव करने के बाद अब हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा डायरेक्टली ये सेव हो जाएगा यदि हम चाहते हैं स्टूडेंट्स की सेकेंड से नेम से फाइल को सेव कर दें एक जगह और एक और लोकेशन पर तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स एफ ट्वेल्व प्रेस करना होगा जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम इसका नेम दे देते हैं गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज टू एंड स्टूडेंट्स इसे हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं ये देखिए स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन आ गई सेव कर दिया एंड स्टूडेंट्स इसे हम कट करके चेक करते हैं कि माई डॉक्यूमेंट्स में पहुँच चुकी है नहीं फाइल तो हम माई कंप्यूटर में चले जाते हैं दिस पी में एंड स्टूडेंट्स यहां डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो देखेंगे आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पर गेट्स नॉलेज स्प्रेड नॉलेज ये टू के नेम से आ चुकी है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी चेंजिंग फाइल भी यहां पर आ जाती है तो सेव सेवेस का ये बेनिफिट होता है कि यदि हम कुछ चेंजिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फाइल के दो पार्ट हों और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर सेव हो जाए तो आप सेव सेवेस का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स नौ स्टूडेंट्स रिकेप में कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स सेकेंड है अ वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक एक वर्कबुक एक नोटबुक की तरह होती है एंड वर्कशीट आर लाइक द पेजेस ऑफ अ नोटबुक और एक वर्कशीट एक नोटबुक के पेजिस की तरह होती है नेक्स्ट स्टूडेंट एंड एक्सलर्क डिस्प्ले थ्री वर्कशीट बाई डिफॉल्ट एक एक्सल बाट डिस्प्ले करता है विदेश नेम होते हैं शीट वन शीट टू एंड शीट थ्री नेक्स्ट स्टूडेंट थ्री टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट एक वर्कशीट के अंदर तीन तरह का डेटा एंटर किया जा सकता है सचेज जैसे की नंबर्स टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज नेक्स्ट आ जाता है अब फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन एक फॉर्मूला एक मैथमेटिकल इक्वेशन है इनवॉल्विंग द नंबर वैल्यू एंड ऑपरेटर देन कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट और इसमें नंबर वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक वर्कशीट में कैलकुलेशन को करने के लिए यूज किए जा सकते हैं नेक्स्ट है ऑटोफिल फीचर अलाउस द यूजर टू एक्सटेंड अज ऑफ नंबर डेट्स और इवन टेक्स्ट टू अ डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स ऑटोफिल फीचर एक यूजर को उसके डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल जितनी भी उसकी इच्छा है जितने भी सेल्स में वो करना चाहता है उस इच्छा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीरीज नंबर्स की सीरीज डेट्स यहाँ तक कि टेक्स्ट को एक्सटेंड करने की अनुमति देता है एक्सटेंड मीन फिल करने की अनुमति दे देता है कि कितने ही नंबर डेट्स या फिर यहाँ तक कि टेक्स्ट को भी वो अपनी अकॉर्डिंग जितने भी सेल्स में वो एक्सटेंड करना चाहता है वो कर सकता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिल हैंडल इज अ स्मॉल ब्लैक बॉक्स एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल फिल हैंडल एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जो कि एक्टिव सेल के राइट right कॉर्नर के बॉटम में प्रेजेंट होता है कॉरस्पोंडिंग सेल विद डेटा और सीरीज एंड जिसका यूज कॉरस्पोंडिंग सेल के साथ डेटा और सीरीज को फिल करने के लिए किया जाता है लास्ट स्टूडेंट्स दंक्शन अ शॉर्टकट ऑटोसम फंक्शन एक शॉर्टकट कर ऑफर करता है टू एडअप सेल्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो ऑफ डेटा अनुरूप कोलम और रो के डेटा को सेल्स में एड करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं फर्स्ट है बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक रखती है वर्कशीट कितनी वर्कशीट रखती है स्टूडेंट्स आंसर इज थ्री स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट वर्कबुक कंटेन्स थ्री वर्कशीट सेकेंड स्टूडेंट द बार शोज द डाटा एंड फार्मूला एंटर इन एन एक्टिव सेल बार जो दिखाता है डाटा और फार्मूला जो की एक्टिव सेल में एंटर किया जाता है कौन सा बार दिखाता है डाटा और फार्मूला को एक्टिव सेल में आंसर इज स्टूडेंट्स फार्मूला बार फॉर्मूला बार शोज द डेटा एंड फॉर्मूला एंटर इन एक्टिव सेल नेक्स्ट है वर्कशीट बिकम्स एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन द टैब एक वर्कशीट एक्टिव हो जाती है क्लिक करके ऑन द टैब टैप पर क्लिक करके किस टैप पर क्लिक करके एक वर्कशीट एक्टिव हो जाती है स्टूडेंट्स आंसर इज स्टूडेंट्स शीट अ वर्कशीट बिकम्स एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन द शीट टैब नेक्स्ट है नेम बॉक्स इज प्रेजेंट अबाउट दैडिंग नेम बॉक्स प्रेजेंट होता है अब द हेडिंग हेडिंग्स के ऊपर कौन से हेडिंग्स के ऊपर होता है स्टूडेंट्स आंसर इज कॉलम हैडिंग नेक्स्ट है द बटंस टू द लेफ्ट ऑफ शीट शीट के लेफ्ट में बटन होते हैं शीट uh, टैब्स के लेट यू मूव थ्रू द वर्कशीट क्विकली जो की वर्कशीट को तेजी से मूव करने के लिए होते हैं इनके द्वारा वर्कशीट को तेजी से मूव किया जा सकता है नेक्स्ट वर्कशीट पर जाया जा सकता है तो वो कौन सा बटन है स्टूडेंट्स टैब स्क्रोलिंग बटन स्टूडेंट टैब स्क्रॉलिंग बटन से आप नेक्स्ट शीट पर मूव कर सकते हैं कितनी शीट्स पर मूव कर सकते हैं क्विकली प्रेसिंग द की ओपनॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स आंसर इज एफ टेसिंग द एफ टेल्व की ओपन द सेवेज डायलॉग बॉक्स नौ स्टूडेंट स्टूडेंट फॉल्स कर लेते हैं फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट सुटेड प्रोग्राम फॉर डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल एक बहुत ही सूचित प्रोग्राम है डॉक्यूमेंटेशन के लिए आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूजफुल नहीं होता स्टूडेंट्स स्टूडेंट सेकेंड है वर्क बुक कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ वर्कशीट एक वर्क बुक कितनी ही नंबर की वर्कशीट कितनी ही संख्याओं में वर्कशीट को रख सकती है अकॉर्डिंग टू अ यूजर नीड जितनी भी यूजर नीड होती है उसके अनुसार रख सकती है आंसर इज ट्रू स्टूडेंट नेक्स्ट है द रो हैरिंग आर डिनोटेड बाय द लेटर्स ए टू जेड एंड ए टू ए जेड रो हैडिंग को लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है ए टू जेड और ए ए टू ए जेड आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टेटस बार शो द नेम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी स्टेटस बार करंटली जो सेलेक्टेड कमांड है जो कि कमांड सेलेक्ट की जाती है या करंट एक्टिविटी है उससे उसके नेम को शो करता है आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डेटा कैन नॉट बी एंटर्ड इन एन एक्टिव सेल डेटा एक्टिव सेल में एंटर नहीं किया जा सकता आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट लास्ट है स्टूडेंट एरो बटन्स प्रेजेंट ऑन द वर्कशीट प्रेजेंट होता है वर्कशीट में एरो बटन जो वर्कशीट टैब होती है उसमें एरो बटन प्रेजेंट होता है अलाउ द यूजर टू स्विच बिटवीन वर्कशीट जो कि वर्कशीट के बीच में यूजर को स्विच करने की अनुमति देता है आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स नो स्टूडेंट्स मल्टीपल चोइस क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में द बटन इज यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ रेंज ऑफ सेल्स इन रो और कॉलम एक रो और कॉलम में सेल की रेंज को एड करने के लिए एक बटन का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए एक बटन का यूज किया जाता है तो वो कौन सा बटन होता है स्टूडेंट्स आंसर इज ऑटो सम बटन सेकेंड स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट टेक्स डेटा इज अलाइन इन सेल बाई टेक्स डेटा एक सेल में अलाइन किया जाता है आंसर इज लेफ्ट अलाइन एक टेक्स डेटा को लेफ्ट अलाइन किया जाता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन वर्कशीट दे रहा है कितनी रोज होती है आंसर इज टेन लैक फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटी सिक्स स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल बॉक्स एक एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है कौन सा बॉक्स होता है स्टूडेंट को आंसर इज म बॉक्स स्टूडेंट्स नेम बॉक्स एक सेल का एड्रेस शो करता है जो भी एक्टिव सेल होता है नेक्स्ट फॉर्मूलाइन एक फॉर्मूला एक साइन से स्टार्ट होता है वो कौन सा साइन होता है आंसर इज इक्वल एंड लास्ट स्टूडेंट वी कैन एंटर टाइप्स ऑफ डेटा इन वर्कशीट हम एक वर्कशीट में डेटा को कितने तरीके से एंटर करा सकते हैं स्टूडेंट्स थ्री टाइप से 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 या स्टूडेंट एंड नाउ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्लास टीचर वर्कशीट पल्लवी से एक वर्कशीट बनाने के लिए कहा जिसमें कि क्लास का टाइम टेबल डिस्प्ले करना है शी हैज ऑल्सो आस्क हर टू सेव इट विद द नेम ऑफ हर चॉइस उसको uh, ये भी कहा गया कि वो अपनी चॉइस से कोई भी नेम लेकर उसे सेव करे एंड फर्दर रिनेम वर्कशीट बाय स्पेसिफाइंग द नेम टाइम टेबल और आगे जब वो नेम दे दे उसके बाद उसको रीनेम करना है उस वर्कशीट को एक टाइम uh, टेबल का नेम देकर एक टाइम टेबल का नेम स्पेसिफाई करके उस वर्कशीट का रिनेम करना है सजेस्ट टू हर मैथड टू रिनेम द वर्कशीट पल्लवी को हमें सजेस्ट करना है कि वर्कशीट को रिनेम करने का कोई मैथड उसको मिल जाए सो so स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा राइट क्लिक राइट क्लिक कहां पर करेंगे राइट क्लिक स्टूडेंट्स ऑन द शीट जिस भी शीट पर पल्लवी क्रिएट कर रही है ये उस पर right राइट क्लिक करेंगे शीट पर एंड शीट टैप पर शीट पर नहीं शीट टैप पर क्लिक करेंगे एंड देन स्टूडेंट्स क्या करेंगे वहां जैसे ही राइट right क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे वहां हमें रीनेम ऑप्शन लेना है एंड वहां पर हमें टाइप करना है नेम जो भी नाम नेम आप देना चाहते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स रोहित फादर हैज़ गिवन हिम रेट फाइव हंड्रेड फॉर हिज पॉकेट एक्सपेंसिस रोहित के पापा ने उसको पांच सौ रुपए पॉकेट एक्सपेंसिस के लिए दिए ही हैज आस्क हिम टू मेंटेन द एक्सपेंसिस और उससे कहा कि वो इन एक्सपेंसिस को मेंटेन करे इन एन एक्सेल शीट एक एक्सेल शीट में एंड शो इट एट द एंड ऑफ द मंथ और वो उन एक्सपेंसेस को जो भी शीट तैयार की है उसे मंथ के अंत में दिखाए सजेस्ट टू हिम द मेथड, उसको मेथड सजेस्ट कीजिए कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस एंड फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हिम जिससे कि वो टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सके और बाकी बची अमाउंट को फाइंड कर सके ऐसी कोई शीट तैयार कर सके तो उसके लिए वो कौन सा फंक्शन यूज करे स्टूडेंट्स तो आंसर होगा स्टूडेंट्स ओ टू सम इसका यूज करके स्टूडेंट्स रोहित ये बता पाएंगे कि उन्होंने मंथ के एंड तक कितना एक्सपेंस किया आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय